अचानक से जस्ट बिकॉज आप इतने ज्यादा बीजेपी के सोच से डर गए कि आपको महागठबंधन का शरण लेना पड़ा, चाहे वो इफ्तार पार्टी का बहाना ही क्यों ना हो, कोई सीएम किरदार तो मिलाने को आपको मिलेगा नहीं। तेज प्रताप जी है और फिर आप हैं, तो सोच समझ के जो भी कदम उठाए। चिराग कुमार पासवान का अपना सीट, चिराग कुमार पासवान का अपना सीएम बनने की लालच उनको इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि फाइनली उनको इफ्तार पार्टी में जाके हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से मिलना ही पड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को महागठबंधन की तरफ से न्योता मिला है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। अब इसको लेकर चाचा पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल चाचा पशुपति पारस कल ही चिराग पर हमलावर हुए थे। उन्होंने कहा था कि उसकी बात मत करो, कई तरह की बातें चाचा पशुपति पारस कह रहे थे। और जैसे ही ये बयान सामने आया उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव के लिए अधिक सीट लड़ने के लिए उस तरफ जा रहे हैं, तो ये तय हो जाएगा कि चिराग पासवान नीतीश का विरोध करते करते नीतीश के गोद में बैठ गए हैं तो आखिर आगे उनका विजन क्या होगा। दरअसल तेजस्वी को लेकर भी बड़ा बयान सामने आया है, सुनवाते हैं चाचा पशुपति पारस की तरफ से। उनकी प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने क्या कुछ बयान दिया है। जेडीयू के नेता का कहना है त्यागी जी का कि चिराग पासवान जी को महागठबंधन में होना चाहिए। भाई जो इतना दिन तक जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते गए, सबसे पहले वही थे जो महागठबंधन के खिलाफ ऊंची आवाज उठाए थे कि जंगल राज 2.0, पता नहीं 10.2 तक भी शायद जा सकता था। अचानक से जस्ट बिकॉज आप इतने ज़्यादा बीजेपी के सोच से डर गए कि आपको महागठबंधन का शरण लेना पड़ा, चाहे वो इफ्तार पार्टी का बहाना ही क्यों ना हो, मतलब इतना ज़्यादा आपको लालच है सीएमशिप की, तो आप वहाँ चले गए और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिले। एंड दूसरी बात, लेट मी टेल यू वन थिंग, चिराग कुमार पासवान जी, आपको महागठबंधन में भी कोई सीएम किरदार तो मिलाने को आपको मिलेगा नहीं। यू विल नॉट इवन बी एज अ कंटेंडर ऑफ सीएम, क्योंकि वहाँ पे दावेदार बहुत है, वहाँ पे दावेदार खुद सीएम है, वहाँ पे दावेदार खुद डिप्टी सीएम है, उसके बाद तेज प्रताप जी है और फिर आप हैं। तो सोच समझ के जो भी कदम उठाइए आपके भले के लिए ही होगा, बट स्टिल इट्स योर चॉइस। और रही बात जेडीयू की, जिनके आप इतने दिनों तक बोलते गए नीतियों के खिलाफ बोलना है नीतियों के, और फाइनली आप उन्हीं के गोदी में जाके बैठ गए, देखने वाली बात तो ये भी है ना कि जनता कैसे लेती है, जो जनता आपके लिए इतना पागल है, नेक्स्ट सीएम, बेस्ट सीएम, 2 सीएम, 3 सीएम, 100 सीएम का जो हमेशा जो चैटबॉट में आते रहता है, उसके ऊपर फिर लोग क्या बात करते वो भी देखने वाली बात है। मतलब बिहारी आगे नहीं है, बिहार आगे नहीं है, चिराग कुमार पासवान की अपनी सपना, चिराग कुमार पासवान का अपना सीट, चिराग कुमार पासवान का अपना सीएम बनने की लालच उनको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि फाइनली उनको इफ्तार पार्टी में जाके हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से मिलना ही पड़ा। पैर छूना तो खैर हमारी परंपरा है, उसके ऊपर कोई बात करना कोई मतलब ही नहीं बनता है। और रही बात तेजस्वी प्रसाद यादव की, फाइनली आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाला किस्सा आपके लिए एकदम सही है कि आपको वो फाइनली अपने खेमे में बुला ही ली और आप जाने में मजबूर हो गए, तो इट्स गुड ना कि आपने फाइनली इलेक्शन से पहले आप अपना असली चेहरा लोगों को दिखा रहे। और आई एम श्योर कि जो जनता आपके लिए इतना पागल इतना उत्सुक है वो उनको भी फिलहाल समझ में आ गया होगा, ये आना चाहिए कि भाई आप बिहार के लिए नहीं, बिहारियों के लिए नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने कुर्सी के बारे में, अपने सत्ता के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आपको कम से कम ज्यादा से ज्यादा सीट आपको लड़ने को मिले और बाद में आके आप अगेन एनडीए को, एनडीए के साथ आप गठबंधन कर पाए, या फिर आप ये भी चाहते हैं कि भाई कहीं आप प्रेशर पॉलिटिक्स में आके आप बीजेपी को अपने घुटनों पे लेके आए। आई एम सॉरी टू से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।